स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह, देश जहां आजादी के अमृत महोत्सव और चोरी चोरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला को मना रहा है, तो वहीं प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 134वीं जयंती को धूमधाम से मना रहा है, जिसको लेकर हल्द्वानी के पंत पार्क में नगर निगम के महापौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने पंडित वल्लभ पंत के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, गौरतलब है कि भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। गोविंद वल्लभ पंत की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और देश के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, देश की आजादी से लेकर शिक्षा से लेकर उनका योगदान पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से रहा और अभी भी पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें याद करते हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी को। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब उनकी जयंती पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, नागपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और आप लोग 134वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप लोगों का, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन अपन जयंती समारोह समिति की तरफ से करते हैं। किनको आप याद करते हैं हमारे यहाँ राज्य के लिए? देखिए, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने योगदान किया इस आज़ादी की लड़ाई से लेके। और उत्तराखंड, ये तो बाद में बना विभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो योगदान पूरे समाज के लिए भारत निर्माण में जो रहा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वो आज हम सब की शान, हम उनके जो जितने भी उन्होंने काम किए इस देश के लिए, हमें उनसे प्रेरित रहना चाहिए और उनके जो भी मार्ग पर, जो बताए गए मार्ग पर चलकर इस देश की और प्रदेश की सेवा करने का हम संकल्प आज उनकी जयंती के अवसर पर लेते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज 134वीं जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। मैं इससे पहले, मैं आगे की बात करूँ, मैं पहले आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि पंजी हमारे पहाड़ की एकमात्र ऐसी विभूति थी जिन पर हमको गर्व है। और हर साल हम लोग यहाँ पर भव्य रूप से मनाते थे, लेकिन कोविड के चलते हम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि ये आदेश मिला था कि 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं होने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर केवल माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा। और वो प्रोग्राम हमको रखना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमको पंजी के कार्यों पर और पंजी हमारे आदर्श रहे तो हम पर इन पर गर्व होना चाहिए। और यहाँ पर जो है, हमने केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम 10 बजे से 12 बजे तक रखा है, जिसके चलते आप लोगों में एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ठीक।